हम यहाँ वैग 7 से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इन क्वेश्चन के माध्यम से हम खुद को टेस्ट करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई गई चीज़ें हमें याद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंटोग्राफ असेंबली को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए किस स्विच का प्रयोग करते हैं? आपका आंसर है यह HPT स्विच के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। पेंटोग्राफ 1 को HPT 1 के द्वारा तथा पेंटोग्राफ 2 को HPT 2 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेबी कंप्रेसर MCPA कहाँ लगा रहता है? आपका आंसर है यह कैब 1 के मिडल लोकल में लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कुल कितने टेप्स बने रहते हैं? तो आपका सही आंसर है कुल 33 टेप बने रहते हैं। यह 0 से लेकर 32 तक बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। GR का टेम्पररी रेजिस्टेंस RGR का मान कितना होता है? तो आपका आंसर है 1.61 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। GR को इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी कंट्रोल द्वारा ऑपरेट करने के लिए किन दो बटन का प्रयोग करते हैं? तो आपका सही आंसर है BPP और BPR। नोच रिग्रेशन के लिए BPR तथा नोच प्रोग्रेशन के लिए BPP। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलती हुई लोको में अगर SIV बंद हो जाए तो किस रिले की वजह से DJ ट्रिप कर जाएगा? आपका आंसर है QSIT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्नो कन्वर्टर में लगे लोको में ऑक्सिलरी पावर सर्किट को ओवर करंट से बचाने के लिए कौन सा सेफ्टी रिले लगा होता है? तो आपका आंसर है QLA। लोको में सामान्यतः दोनों में से किस पेंटो को उठाकर कार्य करते हैं? तो आपका सही आंसर है पिछले कैब का पेंटो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोको को रोल डाउन होने से बचाने के लिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, यह किन किन व्हील्स पर लगी होती है? तो आपका आंसर है यह व्हील नंबर 2 और 4 पर लगी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। DJ खुलने पर कौन सा पायलट लैंप जलेगा? आपका आंसर है LSDJ। LSDJ DJ खुलने पर जल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नाइफ स्विच होबा कहाँ लगा होता है? तो यह कैब 2 के लोको पायलट के पीछे लॉकर में लगा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। A9 ब्रेक लगाने से सिर्फ ट्रेन में ब्रेक लगे, लोको में नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? आपका आंसर है पेडल स्विच PVEF को प्रेस करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। CGR1, CGR2 और CGR3 किस प्रकार के कॉन्टेक्टर हैं? तो आपका सही आंसर है ये सभी ड्रम टाइप कॉन्टेक्टर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। RPGR कहाँ लगा होता है? तो RPGR SMGR के पास लगा रहता है। यह GR का परमानेंट रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू 97 किलो ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SIV लगे लोको में किस किस रिले को हटाकर QSIT लगाया गया है? आपका सही आंसर है QLA और QOA। QLA और QOA की जगह QSIT को लगाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। SA9 से ब्रेक लगाने पर BC गेज में हवा का प्रेशर कितना दिखता है? तो आपका सही आंसर है 3.5 kg/cm² का। जब हम SA9 से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो BC गेज में 3.5 kg/cm² का प्रेशर दिखता है। SA9 ब्रेक सिलेंडर में 3.5 kg का प्रेशर भेजता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ET2 सर्ज अरेस्टर का स्पार्क गैप कितना होता है? तो इसका स्पार्क गैप होता है 105 mm का और इसके साथ ही ET1 का स्पार्क गैप 210 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितनी सप्लाई मिलने पर करंट ट्रांसफार्मर TFILM सेफ्टी रिले QLM को इनर्जाइज कर देता है?
तो आपका सही आंसर है 450 एम्पियर। जब मेन ट्रांसफार्मर में 450 एम्पियर से अधिक की धारा प्रवाहित होती है तो TFILM QLM को 9 एम्पियर की सप्लाई देकर इनर्जाइज कर देता है, जिससे यह डी ट्रिप करा देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेन कंप्रेसर 3 को आइसोलेट करने के लिए HCP को किस पोजीशन पर रखते हैं? तो आपका सही आंसर है 1-2 पर रखते हैं। HCP को 1-2 पर रखने से मेन कंप्रेसर 3 आइसोलेट हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रोटेटिंग स्विच HVMT1 को 3 पर रखने से क्या होगा? तो आपका सही आंसर है रिले QVMT1 आइसोलेट हो जाएगा। इस वक्त MVMT1 ब्लोअर चालू रहेगा। इसी के साथ हमारा पहला सेट कंप्लीट होता है। आप मेरे नेक्स्ट सेट को पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।